हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आशुतोष, आई एम इंदौर से, और हम इंजॉय कर रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट से ऑलरेडी हम 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। हमने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में जाना, कंज्यूमर मार्केट्स को पढ़ा और बिजनेस मार्केट्स को पढ़ा। पहली 21 सेशंस में हम ये सब कुछ कर चुके हैं, और मैंने आपको जैसा लास्ट टाइम बताया था कि इसके बाद हम अपना 5th इम्पोर्टेंट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जो कि है कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारी चैप्टर 1 में ऑलरेडी आ गई थी, उसके लिए आप हमारी वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, सबको बताया था। उसको देखने के बाद आप जो है इन वीडियोस पे आइएगा, इनमें हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे हैं, जो कि है हमारा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग, इनको डिटेल में करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, जो कि है मार्केट सेगमेंटेशन। आपको याद तो होगा ही सेगमेंटेशन क्या है, हमने वीडियो नंबर 5 में बात करी ही थी। नहीं है तो मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सेगमेंटेशन होती है डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर हु हैव डिफरेंट नीड करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर विच माइट रिक्वायर सेपरेट स्ट्रेटजीज और मिक्सेस। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए मार्केट हमारा पूरा एक टोटल है, उसमें क्या है, बायर्स के अलग अलग ग्रुप होंगे। अब उनमें अलग किस बेसिस पे होंगे, उनकी थिंकिंग अलग हो सकती है, नीड अलग हो सकती है, करेक्टरिस्टिक अलग हो सकता है, बिहेवियर अलग हो सकता है। तो कुछ भी अगर अलग है, उस सेट को हम सेगमेंट बोलते हैं, और सेगमेंटेशन में हम मार्केटिंग को वैसी ही कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा सेगमेंटेशन का। अब आप कहेंगे कि सेगमेंट बनाते कैसे हैं या किस वे में सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन के टाइप्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 मेन टाइप्स की सेगमेंटेशन हो सकती है। सबसे पहली होती है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरी होती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरी होती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, और चौथी होती है बिहेवियर सेगमेंटेशन। आज के चैप्टर में हमारा मेन एम है इन चारों सेगमेंटेशन को समझना, और फिर ये समझना कि किस तरीके की सेगमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, होप आपको मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की। ये तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। अब ज्योग्राफी क्या होती है, अलग अलग ज्योग्राफी मतलब क्या, कि अलग अलग हम अलग अलग फिजिकल ज्योग्राफिकल चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो किस यूनिट के बेसिस पे हो सकती है। अब वो बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं नेशन या कंट्री लेवल का सेगमेंट, तो अलग अलग कंट्रीज़ में आपने डिवाइड कर दिया। अगर कोई आप MNC हैं तो आपके लिए ज्योग्राफिक सेगमेंट क्या होगी, आप इंडिया में दे रहे हैं, आप पाकिस्तान में दे रहे हैं, बांग्लादेश में दे रहे हैं, इवन कॉन्टिनेंट लेवल पे हो सकता है कि आप एशियन सप्लाई कर रहे हैं, अफ्रीकन कर रहे हैं, तो इस तरीके की सेगमेंट होगी सबसे ब्रॉड। उसके बाद स्टेट लेवल पे हो सकती है, आप विद इन इंडिया आप जा रहे हैं, हरियाणा में आप जा रहे हैं, गुजरात में आप जा रहे हैं, MP में आप जा रहे हैं, बिहार में, स्टेट लेवल पे आप सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। रीजन, अलग अलग रीजन, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नोटेशन है और आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ क्या चलता है। अलग अलग सिटीज़ के बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं, और इवन पॉपुलेशन की डेंसिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके की है। शहरी है तो अर्बन सेगमेंट हो गया, रूरल गांव वाली सेगमेंट हो गया, और आज के टाइम में एक सब अर्बन भी बनता जा रहा है, मतलब जो कुछ छोटे छोटे शहर हैं जो कहीं ना कहीं गांव से शहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं, ये सेगमेंट बनाना। तो जहां पे हम इस तरीके की ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से अलग सेगमेंट बनाते हैं, उस मेथड को दोस्तों बोलते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, हमारी पहले तरीके की सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, वो आती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की। आपको ध्यान तो होगा ही, हमने डेमोग्राफी के बारे में बात करी थी। तो डेमोग्राफी क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। तो यहाँ पर उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सेगमेंट करने को मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, वो क्या है, सबसे पहले एज, अलग अलग एज ग्रुप का अलग सेगमेंट होगा। कोई चाइल्ड है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, एडल्ट्स की अलग होगी, सीनियर सिटीजन्स की अलग होगी। फिर लाइफ साइकिल स्टेज, बंदा किस उसमें है, वो बैचलर है या मैरिड है, स्कूल गोइंग है या जॉब गोइंग है, स्टडिंग है वर्सेस अनएम्प्लॉयड है वर्सेस बहुत सारे, तो उसका किस लाइफ स्टेज पे वो चल रहा है। जेंडर के बेसिस पे देखिए, मेल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, फीमेल्स की अलग होती हैं, उस हिसाब से मार्केट को आप सेगमेंट कर सकते हैं। इनकम के बेसिस पे आप कर सकते हैं,
लो लेवल इनकम है, मीडियम है, हाई है, फिर मीडियम में भी जो है लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब कुछ होता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। तो सारे जो हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स पढ़े थे ना, या जो सोशल साइंसेज में हम लोग पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे जब हम सेगमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंट, हमारा सेकेंड मेथड। तो हम ज्योग्राफिक पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफिक पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे मेथड पे, वो होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो साइकोग्राफी क्या होती है? साइकोग्राफी होती है एक पर्सन की साइकिक रिलेटेड, और उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल पे भी पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, वीडियो नंबर जो 5 थी, कि लाइफस्टाइल तीन चीज़ों से डिफाइन होता है। आपका AIO, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, वो सब मिला के बनाते हैं दोस्तों आपका लाइफस्टाइल। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से तो अलग सेगमेंटेशन है ना। अब बहुत से जो लोग जो जोशीले होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग कलर्स पहनना चाहते हो, जो सिंपल काम कंपोज्ड हैं वो लाइट कलर्स को प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो गया हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, थर्ड तरीके का सेगमेंटेशन। अब चलते हैं हमारी चौथी इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन, जो है बिहेवियर सेगमेंटेशन। यहाँ पे हम पर्सन की नॉलेज, उसके एटीट्यूड, बिहेवियर के बेसिस पे उसको सेगमेंट करते हैं। और इसमें भी दोस्तों बिहेवियर सेगमेंट में दो तरीके की इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन होती है, ओकेजन सेगमेंटेशन और बेनिफिट सेगमेंटेशन। अब आप कहेंगे ओकेजन सेगमेंटेशन क्या है या वो कैसे बिहेवियर से रिलेटेड है? तो देखिए, ओकेजन कोई त्यौहार होना या कोई ओकेजन होना पर्सन का, उस टाइम उसका बिहेवियर अलग होता है और वो अलग तरीके से खरीदता है। एक आदमी हो सकता है जो पूरी लाइफ सिंपल वे में खरीदता हो, जब उसके घर में कोई शादी आती है या कोई फंक्शन आता है तो वो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट वे में स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है या वो ओकेजन अलग है। तो ओकेजन सेगमेंटेशन जो है ना, वो मार्केट को ओकेजन के हिसाब से सेगमेंट करती है। और खासकर आपकी पेंट इंडस्ट्री हो गई, आपकी फैशन इंडस्ट्री हो गई, क्लोथ्स इंडस्ट्री हो गई, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, ये सब कुछ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अलग अलग ओकेजन के हिसाब से पूरी कलेक्शन लेके आते हैं। तो आपकी दिवाली आ रही है तो उससे रिलेटेड कलेक्शन लेके आएंगे, ईद है तो उससे रिलेटेड लेके आएंगे, न्यू ईयर है तो अलग कलेक्शन रहेगी। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे ही त्यौहार या दिवाली का टाइम आता है, इवन आपके गिफ्ट हैम्पर्स आने लगते हैं जो आपको पूरे साल में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, वो मिठाइयों के भी आते हैं, चॉकलेट्स के भी आते हैं। तो ये क्या है? ओकेजन के हिसाब से सेगमेंटेशन है। नेक्स्ट इसमें टाइप आती है बेनिफिट सेगमेंटेशन, मतलब जो आपका कंज्यूमर है वो किस तरीके के बेनिफिट चाह रहा है उसके हिसाब से सेगमेंट करना। अब इसमें हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं कि कंज्यूमर किस वे में डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले तो बेनिफिट सॉर्ट, कि वो क्या चाह रहा है। अब आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ है शूज़, उसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं? किसी के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हो तो सिंपल खर्च करना चाहता हो, किसी को वो ऑफिस के लिए चाहिए तो मोर फॉर्मल तरीके से वो देख रहा है, किसी को पार्टी वेयर चाहिए। तो कहाँ ने कहाँ क्या बेनिफिट वो चाह रहा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना। अब यूज़र का स्टेटस, दोस्तों 5 तरीके के यूज़र्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहला तो होता है, देखिए और आपको ये सीक्वेंस में आप समझिए, सबसे पहले तो है नॉन यूज़र। नॉन यूज़र वो है जिसने आपकी चीज़ को कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो उसको आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आप बेनिफिट समझाने पड़ेंगे, कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा एक्स यूज़र। एक्स यूज़र से क्या मतलब होता है दोस्तों? एक्स यूज़र से मतलब होता है कि पहले इसने यूज़ किया है, अभी नहीं कर रहा, तो इसके केस में तो चैलेंज और बढ़ जाता है। देखिए, एक चैलेंज तो कम है कि उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो पता है, बट बड़ा हुआ चैलेंज ये है कि उसने क्यों करना छोड़ा, कुछ ना कुछ कमी रही होगी ना, गिले शिकवे रहे होंगे, उनको दूर करना पड़ेगा। ये होते हैं हमारे एक्स यूज़र। फिर थर्ड होते हैं पोटेंशियल यूज़र। पोटेंशियल यूज़र्स ने यूज़ नहीं किया है बट एक पोटेंशियल है, तो हमें यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इनको कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फर्स्ट टाइम यूज़र्स, जो पहली बार कर रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम यूज़र्स बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि देखिए, अगर वो पसंद कर गए आपके प्रोडक्ट को तो बार बार यूज़ करेंगे, और नहीं किया तो वो सिर्फ वन टाइम ट्रांजेक्शन ही होके रह जाएगी। और लास्ट आते हैं रेगुलर यूज़र। रेगुलर यूज़र वो हैं जो आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो आप बाकी सेगमेंट्स पे ध्यान रखते टाइम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी आपको साथ में जोड़ के चलना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर मेरे दोस्तों होता है यूसेज रेट, मतलब वो कितना यूज़ करते हैं। अब लाइट यूसेज रेट मतलब थोड़ा बहुत ही यूज़ कर रहे हैं, मीडियम मतलब ठीक ठाक यूज़ कर रहे हैं, और हैवी मतलब आपके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हैवी बेसिकली आपके वो यूज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट तो हैं डेफिनेटली, वैल्यू भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट एज ए यूज़र्स की परसेंटेज बहुत कम होती है। नॉर्मली जो परसेंटेज रहती है ना, वो इन दो कैटेगरीज में ज़्यादा रहती है। और दोस्तों लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है लॉयल्टी स्टेटस की, कैसी उनकी लॉयल्टी है। लॉयल्टी के बेसिस पे 3 टाइप्स हो सकती हैं फ्रेंड्स। कंप्लीटली लॉयल, जो 100% लॉयल्टी रखते हैं, आपका प्रोडक्ट आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो वेट कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए 2 महीने तक नई शर्ट, नए शूज़,
मैं एडिडास का जूता पहनता हूँ तो उसी का वेट करूंगा, मैं मान लीजिए ये वाली शर्ट पहनता हूँ तो उसी का मैं वेट करूंगा। उनको हम बोलते हैं कम्प्लीटली लॉयल। फिर होते हैं समवट लॉयल, मतलब वो लॉयल हैं बट कुछ ना कुछ एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। ये बड़े ही ट्रिकी यूजर्स होते हैं और इनको एंगेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही सोच समझ के एक मार्केटर को इनके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और लास्ट में आते हैं नो लॉयल्टी टू एनी ब्रांड, मतलब इनको तो जहाँ अपना फ़ायदा दिखेगा वहीं खरीद लेंगे, किसी के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी चौथी सेगमेंटेशन जो थी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आपको फ्रेंड्स हो सकता है होपफुली ये चारों क्लियर हुई होंगी। ये हमारी नॉर्मली कंज्यूमर के केसेस में होती हैं। क्या चार पैरामीटर्स थे दोस्तों? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और लास्ट में हमने पढ़ी थी अपना चौथे वाला सेगमेंटेशन जो थी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब हम चलते हैं बिजनेस मार्केट्स के केसेस में। तो देखिए बिजनेस मार्केट्स में उन सारे फैक्टर्स के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि कस्टमर के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कैसे हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस चीज़ किसके लिए बना रहे हैं? एंड में तो कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना, तो कस्टमर जैसी चीज़ें चाहेंगे वैसा ही वो बनाएंगे। तो कस्टमर को भी समझना इनके लिए बहुत एडिशनल ज़रूरत हो जाता है सेगमेंटेशन के टाइम पे। इनका परचेजिंग का अप्रोच कैसा है, सिचुएशन कैसी है और ख़रीदने वाले के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ये सब कुछ जुड़ जाते हैं जब एक बिजनेस मार्केट की हम सेगमेंट को बनाते हैं। अब सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट मतलब अगर आपकी कंपनी अलग अलग ज्योग्राफीज क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो आपको सेगमेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं आप। और वहाँ पर जो सेगमेंट यूज़ होते हैं वो नॉर्मली चार पैरामीटर्स पे होते हैं। ज्योग्राफिक लोकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है आप किस ज्योग्राफी में जा रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है उसको स्टडी करना जरूरी है, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स को समझना जरूरी है। अब हो सकता है जिस देश में आप करने जा रहे हो वहाँ पे फॉरेन चीज़ों को इंपॉर्टेंस ही ना दी जाती हो, या आप पे टैक्स एंड ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दें, वहाँ की लीगल चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ का कल्चर कैसा है आपको सब समझना ज़रूरी है, कल्चर के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कई बार हम बात कर चुके हैं MACD की, फॉरेन में जब था अमेरिका और यूरोप में बनाता था तो नॉनवेज बर्गर ज़्यादा चलते थे, इंडिया में आया तो जो है सिंपल मैक वेज लेके आया जिसमें वेजिटेरियन में उसने कन्वर्ट कर दिया। वही जब सऊदी अरब कंट्रीज़ में जाता है तो आपके जो है हलाल मीट को वो यूज़ करता है, ये सब कुछ। और इसमें फ्रेंड्स जो लास्ट एक टर्म आती है वो आती है इंटर मार्केट या क्रॉस मार्केट। अब मेरी इंटर मार्केट या क्रॉस मार्केट क्या होती है? फॉर्मिंग सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर हु हैव सिमिलर नीड्स इवन दो दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो आप ये मत समझिए कि अलग देश के लोगों की सबकी रिक्वायरमेंट हमेशा अलग ही होगी और वो सेगमेंट बन सकते हैं, कई बार इंटर मार्केट भी हो सकती है। इंटर मार्केट को ऐसे समझिए आप रहते हैं इंडिया में और आपकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हो सकता है सिमिलर रिक्वायरमेंट अफ्रीका में एक कंट्री है सूडान वहाँ के पर्सन की हो, और वही साउथ अमेरिका में एक कंट्री है अर्जेंटीना वहाँ के पर्सन की हो। तो यहाँ पर ज्योग्राफी को तवज्जो ना देते हुए एक जैसी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को तवज्जो दी जाती है और उसको क्लब करके जब सेगमेंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर मार्केट या क्रॉस मार्केट सेगमेंट। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल मार्केट की सेगमेंटेशन। अब दोस्तों हमने समझ लिया सेगमेंट कैसे बनाते हैं, सेगमेंटेशन के अलग अलग तरीके, कंज्यूमर के केस में, बिजनेस के केस में, इंटरनेशनल केस में, सब समझ लिया। अब जो सेगमेंट हम बना रहे हैं वो प्रॉपर सेगमेंट है भी या नहीं वो भी तो समझना पड़ेगा। तो एक मार्केट सेगमेंट जो है ना पांच पैरामीटर्स पे खरी उतरे तभी वो एक ठीक सेगमेंट होती है। सबसे पहले तो मेजरेबल, अगर उसे मेजर ही नहीं किया जा सकता, बता ही नहीं सकते हम उसका क्या पोटेंशियल है तो वो क्या सेगमेंट हुई। तो मेजरेबल होनी चाहिए, पता होना चाहिए भाई इस सेगमेंट का इतना पोटेंशियल है, यहाँ से इतना बिजनेस आ सकता है, उसको कहते हैं मेजरेबल। सेकंड एसेसेबल, अब आपने सेगमेंट बना तो दी, एसेस करना मतलब उस तक पहुँच पाना, अगर आप पहुँच ही नहीं पा रहे तो किस काम की वो सेगमेंट, तो एक्सेसिबिलिटी सेकेंड फैक्टर होता है। थर्ड सब्सटेंशियल, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू वॉल्यूम दे। अब आप सेगमेंट बना रहे हैं बाद में पता लगता है कि उस सेगमेंट में साल में कोई इक्का दुक्का परचेज हो गया, उस सेगमेंट का क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो एक सब्सटेंशियल उसका होना चाहिए। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब बाकी सेगमेंट से कहीं ना कहीं क्लियर डिफरेंसेस होने चाहिए, ऐसा ना हो कि ओवरलैपिंग है। आपने 10 सेगमेंट बनाने के चक्कर में देखा कि तीन सेगमेंट्स तो ऐसी हैं जिनकी बस 19-20 का फ़र्क आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन कहीं ज़्यादा है ही नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है उसमें। और लास्ट में एक्शनेबल, कुछ स्पेसिफिक एक्शन आप उस सेगमेंट के लिए कर सकें। तो आपको समझ में आए पाँच पैरामीटर सेगमेंट कैसी होनी चाहिए? मेजरेबल हो, एक्सेसिबल हो, सब्सटेंशियल हो, डिफरेंशिएबल हो और एक्शनेबल हो, ये हमारे फीचर्स होते हैं एक सेगमेंटेशन के। दोस्तों आपको होपफुली सेगमेंटेशन क्लियर हुआ होगा। हमारा सबसे पहला काम होता है स्ट्रेटजी बनाते टाइम मार्केटिंग की प्रॉपर सेगमेंटेशन कर देना, उन सेगमेंट्स को डिफाइन करना। आज हमने वही समझा, उन्हीं पैरामीटर्स को जाना।
अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमने सेगमेंट्स चुनी हैं उनमें से सेगमेंट को सेलेक्ट करके और उसको टारगेट हम कैसे करें, तो मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी, इसको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी फीडबैक है तो हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।